जेके न्यूज टुडे की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर है और हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पर सेना के जवान और उनके साथ साथ सीआरपीएफ की गाड़ियां जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। सेना के जवानों ने आसपास के जंगलों की सुबह से ही गश्त जो है वो की हुई है और ऐसे में हम आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर पूरी एग्जैक्ट जो ग्राउंड जीरो है ये यहाँ पर हुआ क्या था ये भी जेके न्यूज स्टूडियो आपको समझाने की कोशिश करेगा। पीछे का जो यू टर्न है इस सड़क का ऊपर शिवकोटी वाले इलाके से यहाँ पे ये जो बस थी जिसमें लगभग 50 के करीब जो यात्रु सवार थे वो बस जो है वो यहाँ पर आई और जैसे ही ऊपर से इस बस ने टर्न किया सामने यहीं पे जहाँ पे हम खड़े हैं जहाँ पे इसे हम रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर सामने इसी जगह से आतंकी ने सीधा फायर जो है वो करने की शुरुआत की और जैसे ही आतंकी ने फायर सीधा जो ड्राइवर पर था उस पर फायर किया और पीछे एक साइड से भी एक आतंकी ने फायर कंडक्टर साइड पे किया। तो ये विजुअल्स आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये जो कैंटिली तार है और पोल्स हैं ये यहाँ से नीचे की ओर ये दब गए जब इस जगह से नीचे ठीक इसी जगह से नीचे की तरफ हम मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा आपको जूम करके दिखाएं कि गाड़ी नंबर JK0AE3485 यहीं से नीचे इन कंटीली तारों को और पोल्स को ध्वस्त करते हुए नीचे गई लेकिन एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसमें ये फंस गई और जहां अभी इस समय हम खड़े हैं इसी जगह से आतंकियों ने लगातार लगभग 10-15 मिनट तक फायरिंग इस बस के ऊपर की और कायर आतंकियों की ये कोशिश थी कि यहां पर कोई भी जो श्रद्धालु है उसे वो ख़त्म कर पाए सबको लेकिन नीचे जाने की हिम्मत उन कायर आतंकियों की नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो नीचे जाएंगे तो ट्रैप हो सकते हैं वो भी यहाँ पर जो है वो मारे जा सकते हैं। इसलिए इसी दूसरी तरफ के ये जो पहाड़ का जो जंगल आप देख पा रहे हैं इस तरफ ये पीछे राजौरी का फॉरेस्ट पड़ता है वहाँ पर ये आतंकी चले गए। बहरहाल कल देर शाम से ही सुरक्षा बलों ने यहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इन आतंकियों को ढूंढ निकाल कर जहन्नुम पहुँचा दिया जाएगा। आतंकियों ने कल देर शाम हमला किया था बस पे नीचे पगडंडी के रास्ते जीके न्यूज टुडे की टीम उतरी है और इस बस का मुआयना हम करने पहुंचे हैं हम देखने पहुंचे हैं और साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कई जगह पर इस बस में गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं आगे मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आपको जूम करके दिखाए काफ़ी ज़्यादा खून जो है वो बहा हुआ है खून के धब्बे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को मिली वो ये भी आप समझ लीजिए कि ये जो एक बहुत बड़ा पत्थर आप देख पा रहे हैं इस पत्थर से पिछला टायर जो है वो जाकर फंस गए हैं और इसके कारण ये बस यहाँ पर रुक गई है लगभग 150 से 200 फुट नीचे अगर ये बस रुकी है। लेकिन एक और तस्वीर नीचे की तरफ मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको जूम करके दिखाएं कितनी गहरी खाई जो है वो नीचे की तरफ है और अगर ये इस पत्थर के साथ ये बस नहीं अटकी होती तो निश्चित तौर पर कितना ज़्यादा नीचे और 150-200-300 फीट नीचे जाती और जो लोग इसमें इंजर्ड थे वो भी शायद ना बच पाते। बहरहाल सुबह कल देर शाम से ही यहाँ पर तमाम जो पुलिस कर्मी और FSL की टीम जो है वो यहाँ पे पहुँची थी SDRF की टीम यहाँ पे पहुँची थी और ऐसे में ये भी हम आपको बताते चले कि यहाँ पर जो चश्मदीद हैं उन्होंने कई खौफनाक बयान हमें यहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड दिए। उन्होंने कहा कि इन्हीं पेड़ों से महिलाएँ जो है वो एक महिला लटकी पड़ी थी एक छोटा बच्चा जो है इन्हीं पेड़ों पर लटका पड़ा था और 1-1.5 घंटा जो लोकल्स ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जिस तरह चलाया उनकी तारीफ ज़रूर करनी होगी क्योंकि अपनी जान को इतनी ज़्यादा ऊपर से स्टीप जो ये एक ढलान है इस ढलान पर नीचे आकर अपनी जान की परवाह न करते हुए यहाँ के पुलिस के जवानों ने और लोकल्स ने यहाँ से लोगों को श्रद्धालुओं को बचाया है। ऊपर आतंकियों का मंसूबा यही था कि वह जो इस बस में सवार लगभग 50 लोग थे उन्हें ख़त्म करना चाहते थे लेकिन क्योंकि ये बस जो है वो फायरिंग के बाद नीचे गहरी खाई में यहाँ पर आके गिर गई ऐसे में ये बस यहाँ पर अटक गई और इसी वजह से ये जो मरने वालों की जो फिगर है वो लगभग वो मरने वालों की संख्या 10 तक पहुँची है और इसमें 40 के करीब लोग घायल हैं जिनका इलाज अलग अलग जगह पर चल रहा है। हम आपको ये भी बताते चले कि ये जो इलाका है ये राजौरी के साथ सटा हुआ है और
अभी भी हम देख पा रहे हैं ऊपर हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो लगातार चलाए जा रहे हैं, ड्रोन्स चलाए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि आतंकियों को ढूंढ निकाला जाए और उन्हें मारा जाए। ग्राउंड जीरो मिलिटेंट अटैक वाली जगह से, जेके न्यूज़ टुडे के लिए मैं दीपांकर गुप्ता।